सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सबका आर्क सर्वाइवल इवोल्व के एक और नई वीडियो में। और गाइस, मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए आर्क इटरनल का एक और नया ब्रांड न्यू एपिसोड। आर्क इटरनल के पिछले एपिसोड में आपने जैसे कि देखा होगा कि हमने टेम कर लिया था एक मैमथ एंड एक रोबोट ग्रिफिन। यस गाइस, रोबोट ग्रिफिन। आप बोलेंगे भाई ये रोबोट ग्रिफिन के टेमिंग की वीडियो तो आपके चैनल पे नहीं है, तो इसको टेम करने की जो वीडियो थी ना वो मैंने डाल दी थी भाई गेमिंग विद यानी के चैनल पे। अगर आपको चेकआउट करना है लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस रोबोट ग्रिफिन भाई देख रहे हो भाई, पूरा का पूरा रोबोट से बना हुआ ग्रिफिन है। अगर आपको देखना है वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके भाई वीडियो भी देख लेना और भाई गेमिंग विद यानी के चैनल को सब्सक्राइब ठोकना भी नहीं भूलना। और गाइस जो भी नए बंदे होंगे हमारे चैनल पे जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, किसका इंतजार कर रहे हो यार? नीचे एक लाल बटन सब्सक्राइब का उसको दबा के फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, ठीक है? तो गाइस आज के एपिसोड में हम क्या करने वाले, तो एक्चुअली में सीन ये हो गया कि मैं एक्चुअली में यहां पे ट्रांसमीटर पे जो है ना भाई लैग क्यों हुआ भाई अचानक से? अबे क्या है भाई ऐसी चीज? मैं ट्रांसमीटर में देख रहा था कि कौन सा चीज हमको टेम करना है और तभी मैंने सर्च करा वहां पे घोस्ट। एंड भाई आप बिलीव नहीं करोगे हमारे मैप पे एक्चुअली में घोस्ट वाला कौन सा क्रीचर आ चुका है, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमने कल चार चार बक्से लगाए थे, ये देख रहे हो चार चार भाई इंसाफ की भाई ज्योतियां लगाई थी, मेरे को देखना है इसमें क्या क्या आ चुका है, ठीक है? वाह भाई वाह भाई साहब, भर भर के वही सामान है ना सारा? हाँ वही सामान है भाई, मजे ही मजे भाई, खतरनाक चीजें ऐड हो रही है भाई हर एक में, सेम सेम हाँ हर एक में सेम टू सेम सामान है। ओ इसमें भाई गैस बॉल भी आ रही है, वाह भाई वाह, ऑल राइट। इसमें क्या है? इसमें तो अपन देख चुके थे, इसमें तो भाई भाई वो जेम्स बीम्स भी आ चुके हैं जो अपन इवॉल्व पोशन के काम आते। ओ भाई ये क्या है? आर्टिफैक्ट कलेक्ट हो रहे है गाइस इसमें, गॉड श्राइन बॉस आइटम्स कलेक्ट हो रहे इसमें। ओ भाई साहब ओके, ये कुछ अलग है भाई, ये कुछ अलग है, खतरनाक भाई खतरनाक। बहुत जल्दी हमको एक और बॉस फाइट लेनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है चलो। तो गाइज अभी अपन क्या करने वाले, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, अपन जाके भाई फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारे मैप में कौन सा घोस्ट क्रीचर एक स्पॉन हो चुका है, ओके। एंड उसके बाद मेरे को एक बंदे ने बोला था कि भाई आप जो है ना आप प्राइम वाले को इवॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसको इवॉल्व करने के लिए आपको इन्फर्नल कोई तो हाँ इन्फर्नल पोशन उनको खिलाना पड़ेगा, तो वो भी अपन ट्राई करने वाले हैं, लेकिन वो शायद अपन कल ट्राई करेंगे, पता नहीं देखते चलो, ओके। तो यहाँ पे कच करके इस रोबोट ग्रिफिन को ऊपर ही लैंड करा लेते हैं, क्योंकि अभी तो मैं रोबोट ग्रिफिन को ही लेके जाएगा भाई, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, ठीक है? तो यहाँ पे फटाक से स्कैनर में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे अपन डालेंगे घोस्ट थाइलो कूलियो, देख रहे हो गाइस घोस्ट थाइलो कूलियो 480 लेवल और 450 लेवल के दो है, तो हमको 480 लेवल का चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ उसकी लोकेशन। एंड भाई फटाक से निकल लेते भाई टेम करने के लिए। और गाइस अगली जो वीडियो आने वाली ना वो आपको बताया होगा गेमिंग विद यानी के चैनल पे आएगी, तो उस वीडियो में हम एक खतरनाक डायनो टेम करने वाले, एकदम खतरनाक डायनो, ठीक है? वो कौन होगा कौन सा होगा मैं अभी नहीं आपको बताऊंगा, वो अपन मैं आपको बाद उनके वीडियो में ही पता चल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे अपन फटाफट निकल लेते भाई घोस्ट थाइलो कूलियो को टेम करने के लिए, ठीक है? ये लोकेशन जो है ना मैं पहले भी देख चुका हूँ, ये लोकेशन है रेडवुड की तरफ 3870। यस गाइस 3870 ये देखो, क्योंकि भाई मैं चेक कर रहा था तब भाई मैं शॉक हो गया भाई, घोस्ट वाला वाइब्रेंट भी वहाँ पे दिखाई दे रहा था जब मैंने सर्च करा, लेकिन शायद किसी ने उसकी पेटी बना दी अभी, ठीक है? ओहो इसका डैमेज मैंने दिखाया आपको, आए हाय खतरनाक ना 3 मिलियन डैमेज, कहते ही ज़्यादा ओपी। ऑलराइट 38 पे पहले पहुंच जाऊं मैं, क्या है लोकेशन भाई? 3870 थी ना पक्का? ये मैं लोकेशन सही लेके आया क्या? 38 थी क्या? 38 हाँ रेडवुड ही है 38 में, ठीक है चलो लेट्स गो, आई थिंक 38 ही है, चलो देख लेते चलो। ओ यस, और भाई आपने देखा ही होगा भाई हमने यहाँ पे गिगा से बॉस फाइट ली थी भाई, गलती से यहाँ पे स्पॉन हो गया था, उसकी हमने पेटी बना दी थी। एक्चुअली में जो यहाँ पे स्केलेटन वाले जो डायनोस होते हैं ना, अगर उनको मारोगे ना तो यहाँ पे बॉसेस स्पॉन हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है? तो ऐसा ही बॉस हमने मारा था जब हमने रोबोट ग्रिफिन टेम करा था ना वो वाले वीडियो में, कते ही ज़्यादा मज़े ही मज़े आ गए थे, ठीक है? 3870 और राइट, ठीक है मैं फर्स्ट हाफ से भाई 70 पे पहुंच जाता हूँ, उसके बाद भाई 38 पे चलेंगे अपन भाई। फ्रीजिंग, वो मेरी हेल्थ इतनी डाउन कैसे हो गई भाई? मैंने किससे पंगे ले लिया भाई? ओके 70 पे मैं पहुंच चुका हूँ, मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, अभी मेरे को जाना है भाई 38 पे, ठीक है? ओके 70 गॉट इट, 70 पे पहुंच चुका हूँ मैं। ऑल राइट आराम से आराम से आराम से हिट पोशन खा लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके ठीक है। ओ यहाँ पे थाइलो है, ओ भाई वो दिल, ये थाइलो है क्यों भाई? यहाँ पे एक और है 480 लेवल का घोस्ट थाइलो कूलियो। गाइस ये जो है ना भाई ये चिपका हुआ है, देख रहे हो आप भाई पेड़ को चिपका हुआ है भाई, और इसके नीचे एक भाई लाइटनिंग ताइलो कूलियो है, ये चल क्या रहा है भाई? एक पेड़ पे दो दो ताइलो कूलियो चिपके बैठे हैं भाई, और यहाँ पे भी एक ताइलो है भाई,
अलग ही नशे भाई, अलग ही नशे। रुक जाओ रुक जाओ, एक एक उगेराएगा अपन। पाटे से तेरे बम्पे गोली लगेगी। निकल पहली फुर्सत में। आहा यस, तू गया भाई, तू गया। उसके बाद इसके नीचे जो है ना, उसको पहले उड़ा देता मैं, पहले इसको उड़ा देता, गोली लग जाए बस उसको। आ यस, अभी उसके बाद ये दोनों को नॉकआउट होने दो, ताकि जब मैं उसको भाई खिलाने जाऊँ ना, तो मेरे ऊपर ऊपर से भाई जंप ना करे ये, ठीक है। दोनों नॉकआउट हो चुके हैं। अरे ये रहा भाई हमारा घोस्ट थाइलो कूलियो भाई, देख रहे हो, इनविजिबल हो रहा है भाई, इनविजिबल हो रहा है भाई एक टाइम के लिए, खतरनाक भाई। ओ शिट भाई, इसको शिकार मिल गया कोई तो, ओके पता नहीं कौन है, लेकिन मैंने इसको एक गोली दे दी है भाई, चूरन दे दिया है भाई भाई। अबे यार मिलके इसका गेम ना बजा दे भाई, आलो भी लो। रुक जाओ, मेरे को इनको नॉकआउट करना पड़ेगा भाई। लो थाइलो का गेम बज गया क्या? नहीं बजा अभी तक, अभी तक तो बजा नहीं है, अभी तक तो बजा नहीं है। रुक जाओ रुक जाओ, ये अंदर डाल अंदर डाल अंदर डाल अंदर डाल। कहाँ पे चला गया वो चिट ड्यूड? ओ ये रहा, भाग रहा है क्या? ओके ओके, तो भाग तो रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक सीन भाई क्रिएट हो जाएगा यार। इसको भाई बर्निंग अटैक पड़ चुका है, ठीक है, ये दूर भाग रहा है, अच्छी बात है। अबे यार घोस्ट रुकना, काय चूल मची है तेरे को? उसके फ्लेम में ही जा रहा है भाई, क्या चूल मची हुई है भाई, उसके फ्लेम ही अटैक में क्यों जा रहा है तू भाई? मैं मेरे को इसको नॉकआउट करना पड़ेगा भाई, इसको बहुत चूल मच रही है, इसको फ्लेम अटैक कौन दे रहा है बे? किसको इतनी चूल मची है भाई? निकलो बे निकलो बे, मेरे थाइलो कोलियो को भाई। ओके हो गया क्या? ओके ये नॉकआउट हो गया, आप भी तुमको दिखा था। कौन है बे यहाँ आएगा तू क्या? कौन? और बे साले मेरे को लगा मैंने उसको मार दिया क्या? तू साले टेमिंग इफेक्टिवनेस कम करने आ गया यहाँ पे। ये ले क्यों भाई, क्या दिक्कत है इन सज्जन को भाई? इनविजिबल मर गया क्या? नहीं ये तो भाई तेरे को क्या दिक्कत है भाई, छोड़ ना तेरी माँ का अल्फा मेगा तेरियम, निकल पहली फुर्सत में भाई। पूरी तरह से इनविजिबल हो रहा है भाई, देख रहे हो भाई, दिखाई भी नहीं। स्पाई ग्लास से इनविजिबल होने के बाद देखो, स्पाई ग्लास से दिखाई भी नहीं देगा, ध्यान से देखो। कोई तो आ गया, कोई तो आ गया, कोई तो आ गया। निकलना निकलना इन टुकले चिन टुकले पिन टुकले जो भी था भाई, निकल लो भाई। लो ओए नहीं नहीं नहीं, पैसे वो पैसे वो पैसे वो पैसे वो पैसे वो गायब, मर गया क्या भाई? जिंदा है टाइगर, जिंदा है भाई। इसको पहले टेम कर दो, मादरबोर्ड में टेम करने के लिए कुछ लाया भी नहीं होगा। जितना मेरे को बताया ना, मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा भाई खतरनाक बंदा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बंदा हूँ भाई। मैं कुछ लेके भी नहीं आया टेम करने के लिए। रुक जाओ, मेरे को बेस पे जाना पड़ेगा। और गाइस आपने जो मेहमत के लिए नाम दिए थे ना, वो नाम मेरे को देने हैं मेहमत को। रुक जाओ, पहले इसको टेम होते हैं, उसके बाद दे देते हैं। यार इसकी टेमिंग इफेक्टिवनेस की माँ की आग कर दी यार उन्होंने, छिट यार क्या ही बोले भाई, माँ भी नहीं कर दी भाई टेमिंग इफेक्टिवनेस की। कोई ना चलो, कोई ना कोई ना कोई ना, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तुम नहीं समझोगी। सेंडोरेटा नहीं था, किरण था ना आई थिंक, हाँ किनर था, किरण था। ओके ओके, इधर उधर निकल गया गाइस, इधर उधर निकल जाते हैं यार, समझा करो यार, तुम समझते नहीं हो यार। ओके रिगो, ऑलराइट लैंड करा ले भाई, 100-150 ज़्यादा ले, लेकिन लैंड करा ले। यहाँ पे लास्ट स्पेशल लास्ट रिमोट लोकेशन, यहाँ पे भाई दबा के मीट खा ले एंड तड़ा। ओके बस इसको कोई अभी यहाँ पे मार नहीं रहा हो बस, ठीक है भाई, इसका कोई पेड़ी ना बना रहा हो, कोई नहीं मार रहा। ये ले मेरे बच्ची, वो टेमिंग हेल्पर, वाह भाई अभी बताओ भाई, टेमिंग हेल्पर भी नहीं लेके आया मैं। पॉइजन इरेजर है, टेमिंग हेल्पर है मेरे पास, चलो भेज क्या। एक एक पन एक एक पनौती आ जाती है भाई, खा लेना भाई, नहीं खाएगा क्या? टेमिंग हेल्पर देना जरूरी है क्या भाई साहब? क्या उचित वो द ओए नहीं 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 नहीं, अबे मादर बट ये अंदर डाल, नहीं लग जाएगा लग जाएगा, जल्दी 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 जल्दी, लग गए लग गए लग गए लग गए लग गए, उड़ जा उड़ जा उड़ जा, लग गए उड़ जा। ओ शिट भाई साहब, इसका टॉर्पर उतरा है, मजाक करा भाई, भाई साहब टॉर्पर क्या उतरा है भाई, जो भागा ना मैं, माँ गजब भाई मेरी पड़ गई भाई। मैं बोला ये क्या हो गया भाई, जब ये गायब हो रहा है ना, जब ये गायब हो रहा है ना गाइस, तो इसका जो टॉर्पर है ना, टॉर्पर ने स्पाइग्लास उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, जैसे ये गायब हो रहा है वैसे ही। ओके ये देख रहे हो, स्पाइग्लास इसको ये नहीं कर पा रही है, देख नहीं पा रही है, ठीक है। नॉकआउट हो जा, नॉकआउट हो जा, हो जा नॉकआउट, शाबाश। रुक जा इसको मार दूँ, निकल पहली फुर्सत में, ठीक है। अभी तो मेरे हिसाब से टेमिंग इफेक्टिवनेस फुल मिल जाएगी इसकी भाई, वापस से जाना पड़ेगा मेरे को, टेमिल पर लेके आना पड़ेगा। इसका टॉर्पर कुछ ज़्यादा ही तगड़ी भाई, कुछ ज़्यादा ही तगड़ा उतर रहा है भाई, वाह भाई वाह, कतई ज़्यादा जहर भाई, कतई ज़्यादा ओपी, ठीक है। टेमिल पर यहाँ पे नहीं होगा तो मेरे को वो जो हमारे बक्से थे ना वहाँ पे, उसमें देखने के लिए जाना पड़ेगा मेरे हिसाब से। यहाँ पे है तो टेमिल पर टेमिंग पोशन है ना, दो तीन उठा ले भाई, उठा ले, वरना बार बार अपन भूल ही जाते हैं भाई लेना। ओके लेट्स गो मेरे भाई चिलॉक्स, फटाक से जाना पड़ेगा, इससे पहले कि जो वापस से भाई उड़ जाए वहाँ से, ठीक है।
हियर वी गो, रुको बैठ जा भाई, बैठ जा, हियर वी गो, लास्ट लोकेशन। भाई साहब खतरनाक भाई, ये थोड़ा सा टफ था भाई, इस फाइलों को टेम करना चाहिए, थोड़ा सा टफ हो गया भाई। ओके कहाँ पे, ये रहा कितना भाई उतरा है अभी तक भाई, है भाई अभी तक है भाई 50% उतर गया है, लेकिन इस बार अपन टेमिंग हेल्पर लेके आए भाई, टेंशन नहीं लेने का, ये टेम हेल्पर खा ले, उसके बाद तेरा एक ये तंगड़ी खा ले भाई, ठीक है, हो जा टेम, हो गया भाई। अरे भाई 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 ओ भाई फुल इनविजिबल गाइस, फुल इनविजिबल, दिख रहा है आपको थैलो को लियो, खतरनाक है ना भाई, खतरनाक है ना, मेरे बाची आ जाना, मेरे बाची चल आ जा इसको भाई, अपन को राइड करने के लिए भाई सैडल की जरूरत पड़ेगी, तो मैं फटाक से होम टू पे चलते हैं, एंड मेरे हिसाब से नॉर्मल थैलो को लियो का जो सैडल होगा ना वही इसको लगेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है, लेकिन इसको सैडल पहनाने से पहले भाई जो नाम हमारे मेहमत को आपने दिए थे ना वो नाम यहाँ पे दे दूँ मैं, रुक जाओ फटाक से एक सैडल बना के निकलते ना, वरना वापस से भाई ऊपर से नीचे आओ थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। थैलो को लियो सैडल, हियर वी गो, लेट्स गो, ओ आके डन 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 डन। ओके गाजर बिजर, ये गाजर पता नहीं कहाँ पे यूज करना है, ठीक है गलत में ही समझना भाई, कहाँ पे यूज करना है पता नहीं मेरे को अभी तक। थैलो सैडल ले लिया, अभी मजा आएगा ना बीड़ू, लेट्स गो, जमकर आहा यस, ओ मागो तुरु लव। ओके ठीक है ये पेरे मैमत को निकालने दो। तो गाइज मैमत के लिए ना अपने ओपी वाले मैमत के लिए भाई काफी बंदों ने काफी सही और काफी खतरनाक नाम दिए थे, लेकिन उसमें से सबसे अच्छा जो मेरे को नाम लगा ना, मतलब सबसे अच्छा क्या, सिर्फ दो या तीन ही नाम मेरे पास पहुंच चुके, क्योंकि मैंने जब वीडियो देखी तो बस 15 मिनट हो चुके थे वीडियो को अपलोड हुए, तो वहां पे जो नाम मिले ना उसमें से मेरे को अच्छा नाम लगा गाइज सोनिया, और ये नाम हमको यहाँ पे सजेस्ट किया पबजी गेमिंग ने, शायद उनके गर्लफ्रेंड का नाम है पबजी गेमिंग, है बहुत तेज हो रहे हो लोंडो। ओके तो यहाँ पे अपन इसको नाम देंगे सोनिया, ठीक है, तो ये पबजी गेमिंग की सोनिया, यहाँ पे अपन इसको नाम दे देंगे सोनिया, पबजी गेमिंग शाउट आउट टू यू ब्रदर, थैंक यू। कौन है बताना, कमेंट करके बताना, गर्लफ्रेंड है या कोई और है, हैं क्रश का नाम बता रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो लंडे। ओके लेट्स गो चलो घोस्ट थैलो को लियो, यहाँ पे भाई सैडल, वाह भाई विदाउट सैडल राइड कर सकता हूँ, नहीं बाप रे भाई विदाउट सैडल राइड कर सकता हूँ इसको मैं, तो मैंने सैडल क्यों बनाया तेरे लिए। ओके ये भी सही है, चलो कट गया अपना, कोई ना एक्सपी पोशन ले ले। ओके उसके बाद भाई हेल्थ में पॉइंट, बाप रे 500 ज्यादा नहीं, 500 ओनली 500। ओके उसके बाद सारे के सारे पॉइंट डाल देंगे अपन इसके डैमेज में, दबा के हिट पोशन मेरे हिसाब से ये रहा भाई 600 हिट पोशन है भाई, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, ये ले खा ले भाई, बहुत ज्यादा पॉइंट इसके डैमेज में डाले भाई, मेरे को उम्मीद है कि ये भाई तबाही मचा देगा, मेरे को उम्मीद है ये तबाही मचा देगा भाई। आए हाय आए हाय भाई, आपको इसका लुक ही नहीं दिखाया ना मैंने, लुक दिखाने के लिए होना भी चाहिए ना इसके पास लुक, ये देखो जादू थंबनेल में ऐसे भाई हवा में बैठे हुए दिखाई दूंगा मैं, बोलेगा घोस्ट थैलो को लियो गाइस, बंदे बोलेंगे भाई कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा यार, है ना नीचे है, नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा, गायब हो चुका है, ये देखो देख रहे हो पूरी सफेदी की दुकान है, मैं नीचे उतर के दिखा देता हूँ इस स्पाई ग्लास बंद करके, ये देखो भाई देखने के लिए मेरे को ही खुद दिख नहीं दे रहा, हाँ ये रहा भाई देख रहे हो, खतरनाक है भाई ये घोस्ट थैलो को लियो, कतई ज्यादा ओ पी, कतई ज़्यादा ओपी आए हाय 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 खतरनाक। ये राइट क्लिक बैड अटैक है, उसके बाद लेफ्ट क्लिक कुछ नहीं है, सी से क्या करा, सी से भाई दिखाई नहीं दिया, क्या करा कुछ क्या क्या, अच्छा कुछ नहीं बस चिल्ला रहा है, एक से कंट्रोल, ये कुछ भी अटैक नहीं है तो इसके पास बस एक बाइट वाला अटैक है, ये देख रहे हो बस ये अटैक इसके पास और कोई अटैक ही नहीं है, वाह भाई वाह ये भी सही है, चलो भाई चलो। ओके भाई बीच में ही गायब हो जाएगा ना, कंफ्यूज हो जाऊंगा, 1.4 मिलियन नॉट बैड एक्चुअली, नाइस काफी बढ़िया, ऊपर से किसी भी सरफेस पे चढ़ पाएगा यार, ये अच्छी बात है भाई, इतने ज्यादा डायनोस की पेटी किसने बनाई यहाँ पे, निकल पहली फुर्सत में निकल, खतरनाक। और आपको इसकी क्लाइंबिंग स्किल दिखा दूं मैं भाई, बस मेरे को भाई बीच में आधे क्लाइंबिंग में गायब ना हो जाइए, वरना भाई कंफ्यूज हो जाएंगे भाई थोड़ा सा, ये देखो हाय हाय क्लाइंबिंग स्किल ओपी ना भाई लोग, एक स्ट्रेट पहाड़ कहीं पे है क्या जिसके ऊपर मैं आपको चढ़ के दिखा सकूं, लाइक ये देखो यहाँ पे चढ़ के दिखा देता हूँ, ये देखो हाँ यस खतरनाक। ओके गाइस तो अभी अपन नीचे जाते और पानी की तरफ देख के आते हैं कि ये हमारा जो भाई घोस्ट थैलो है वो पानी में क्या कर सकता है मेरे हिसाब से। ओह ये क्या था भाई, जंप करते हो तो इसका एनिमेशन कुछ अलग ही है क्या, क्या आपने नोटिस किया वो, ये देखो कैसे एनिमेशन है इसका, ये देखो नीचे जाते वक्त ब्लिंक करता है, एक लाइट की तरफ ब्लिंक करता है भाई, खतरनाक। ओके ओपी आजा भाई यूटी, अबे तेरे भाई साहब यूटी मारू पे भाई साहब,
ओए फिश पांडा वी कम टू वेक, अरे ब्रेक योर फेस, अरे फिश पांडा की तो माँ की आग बे, निकलो बे निकलो बे, अबे कोई भी मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, रेक्स बाय बाय हैव अ ग्रेट टाइम, निकलो पहली फुर्सत में। भाई ये घोस्ट अपना थायलो जो है ना वो कतई ही ज्यादा ओपी और कतई ज्यादा कूल लग रहा है मेरे को यहाँ पे। भाई निकल बे रैप्टर पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को दे रही, आ जाओ रे। ओ भाई ओए ओए ये कौन सी भाई स्पाइडर है, पॉइजन स्पाइडर है क्या? ओके ठीक है ओके, ये मेरे को रैप्टर भी टेम करने थे यार, मैंने रैप्टर भी टेम नहीं करा। इसमें भाई अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो रैप्टर्स है ना वो मेरे को टेम करने यार। कोई ना चलो पहाड़ में जरा सा जलवा दिखाया जाए अपने भाई ये घोस्ट थायलो कुलियों का, ऐसी स्पीड है भाई। ओके नॉट दैट बैड, ओके ठीक ठाक है अगर देखा जाए ना तो, ठीक ठाक स्पीड है। एंड बेसिकली अपने जो नॉर्मल अटैक होते हैं ना सारे के सारे वही पानी में कर रही है, देख रहे हो डैमेज 1 मिलियन नहीं जा रहा है, डैमेज थोड़ा आई थिंक थोड़ा सा कम जा रहा है यहाँ पे, ठीक है डैमेज थोड़ा सा कम जा रहा है। भाई मेरे को एक डॉल्फिन भी टेम करना है ना भाई, डॉल्फिन कब से टेम करने के लिए निकला हो पता नहीं भाई, लगता है भाई 4 साल लगने वाले हैं डॉल्फिन टेम करने के लिए। काफ़ी बढ़िया भाई काफ़ी बढ़िया चीज़ है, नाइस। पानी के अंदर कैसे टेलीपोर्ट ये कर रहा है भाई, ओहो ओय होय ओ मागो तुड़ू लाभ, खतरनाक भाई खतरनाक, कदे ही ज्यादा ओपी ना मेरे बाची। भाई हमारा थायलो को ले भाई खतरनाक है, रुक जाओ थायलो को ले ये पहाड़ चढ़ के जाएगा भाई, तुम्हारा हमारा थायलो को ले भाई ये पहाड़ चढ़ के जाएगा। चल भाई चल लोंडे लोंडे चल, अबे निकलना अबे रोबोट पैरासोरस, अबे भग रोबोट तेरे भाई क्या क्या मारू भाई, अपना थायलो ये पहाड़ चढ़ के जाएगा ठीक है, डरता है क्या? चढ़ भाई चढ़ ले चढ़ ले चढ़ ले चढ़ ले चढ़ ले चढ़ 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 आई शाबाश। ओ भाई नीचे देख नीचे देख, ये देखो कैसी चिपक्की बैठा हुआ है भाई, ओई होई 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 गायब भाई, गायब भी हो रहा है भाई, सब कैसे चिपक्के बैठा है देख रहे हो भाई, सरफेस को ऐसे चिपक्के बैठा है जैसे कि च्विंगम की तरह मैग्नेट की तरह भाई पकड़ के बैठा है भाई, खतरनाक भाई कतई ज्यादा ओपी, नाइस। और तड़ा अपन आ चुके हैं ऊपर भाई, हम आ चुके हैं आसमान की ऊंचाइयों पे। ओके अरे क्या मार रहा है उसको, उसको क्या मार रहा है बेचारे को भाई, बीच में जब गायब हो जाता है ना तब कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं बेटा कहाँ पे और ये है कहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हो जाता है। नाइस आग लग गई है भाई, खतरनाक भाई कतई ज्यादा ओपी एंड कतई ज्यादा खतरनाक है भाई। हेलो मेंटिस कैसे हो सर, लाड में आ रहे हो क्या ज्यादा, कुछ ज्यादा ही लाड में आ रहा था वो मेंटिस, उसको मास्टर भी एक जादू की जप्पी और पप्पी दोनों दे दी मैंने। ओके 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 इधर आ मेरे बच्ची, नाइस खतरनाक भाई खतरनाक, मजे ही मजे गाइस मजे ही मजे भाई, ये कतई ज्यादा ओपी है भाई, ये खतरनाक है। एक तो भाई दिखाई नहीं दे रहा, ओ भाई रेक्स तो दिखाई दे रहा था लेकिन ये दिखाई भी नहीं दे रहा भाई, खतरनाक भाई। ओ ये कौन सा उल्ट है, हेलो आई सुल्ट था आई थिंक, आई सुल्ट था हाँ यस आई थिंक आई सुल्ट था, खतरनाक भाई। तो ये भाई थायलो को लो क्या है भाई ये, ओके रुक जाओ मेरे को क्या क्या चीज़ मिली मेरे को, एक भाई ये मिला भाई इंसाफ का हथौड़ा, ओके ठीक है इंसाफ का हथौड़ा मिल गया मेरे को, और क्या मिला है, और ये कुछ स्पेयर बियर मिला है एंड कुछ ओ टेबल पर या टॉर्पर रिमूवर, भाई साहब यूज पोशन मिले भाई, नाइस एक्सलेंट वर्क। ओ ये भाई एंशिएंट ऑर्ब, एंशिएंट ऑर्ब रख लेता हूँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा होता है एंशिएंट क्रिएचर को टेम करने के लिए भाई एंशिएंट ऑर्ब लगता है। ओके और अगले एपिसोड में अपन एक एंशिएंट क्रिएचर टेम करने वाले, वो कौन सा आपको पता चल जाएगा गेमिंग की चैनल के चैनल पे वीडियो पे ठीक है। तो ये अपना भाई घोस्ट थायलो को लेना भाई, ये है भाई मेल, तो इस मेल घोस्ट थायलो कोलियो के लिए भाई नीचे कमेंट सेक्शन में खतरनाक एंड ओपी वाले नाम जरूर डालना गाइस। और गाइस आज का जो भाई आर्क इटर्नल का भाई एपिसोड था, इस एपिसोड में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं गाइस आर्क इटर्नल के अगले एपिसोड में। अगर आज का एपिसोड आपको आया होगा पसंद तो इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो आपसे मिलते हैं गाइस आर्क इटर्नल के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। एंड गाइस नीचे डिस्क्रिप्शन में गेमिंग विद एन के चैनल का लिंक है, उसको भी चेकआउट जरूर कर लेना। और जाते जाते इस स्पेस पांडा की जरा फाइट ली जाए, यही है क्या, यही क्या स्पेस पांडा जो हमारा भाई खोपड़ी तोड़ने के लिए आया था, इसकी जात का वड़ापा मारू। ये एक और निकल बे निकल, ओ भाई मैं फ्लेमिंग अटैक देता हूँ क्या, अगर मैं काटता हूँ तो मैं फ्लेमिंग अटैक नहीं देता हूँ। ओके ठीक है तो गाइस आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, सी यू लेटर।